तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं प्यार के सदके के एक और बेस्ट मोमेंट के ऊपर, एक और बेस्ट सीन के ऊपर। इसके ओएसटी के ऊपर हम रिएक्ट कर चुके हैं और इसके बेस्ट मोमेंट पे भी दो वीडियोस आ चुकी है, वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, बेस्ट मोमेंट तो आपको मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन ओएसटी 20-25 दिन हो गए उस ओएसटी पे रिएक्ट करें, तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो भी आप लोगों को पता चल गया, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो और कमेंट सेक्शन में आप लोग सजेस्ट करते रहो, उन वीडियोज पे भी हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और रेगुलरली नई वीडियोज आ रही हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो उन सभी वीडियो को आप इंजॉय कर सकोगे बहुत ही ज्यादा आसानी से। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि हमारा प्यार मोहब्बत और ज्यादा गहरी हो जाए और ज्यादा बनी रहे आगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो मुझे समझ आ जाए कि आप लोग क्या चाहते हो, मैं उसी हिसाब से वीडियोस पे काम करूंगा और जो वीडियोस आप देखना चाहते हो वो वीडियोस में पहले लेकर आऊंगा आप सभी लोगों के लिए, हमारा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो हम प्यार के सदके की बात कर रहे थे, बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज़्यादा फनी, एंटरटेनिंग सा ड्रामा है। ठीक है, इन दोनों की केमिस्ट्री, इन दोनों का ये कैरेक्टर जो है प्यारा सा इन लोगों ने पकड़ा हुआ है, यमुना और बिलाल अब्बास साहब ने। ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप लोग वो वीडियोज़ भी चेकआउट कर लीजिएगा, वो सीन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, बहुत ही ज़्यादा राइटिंग मजबूत थी और परफॉर्मेंस भी कड़क थी। ठीक है, फिलहाल हम इस वाले बेस्ट मोमेंट पे चलते हैं, ये भी आप ही लोगों ने शेयर किया है, इसे देखते हैं फिर इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। आओ बेटा यहाँ बैठो। अरे तुम तो उठो, उठो ना। आओ बेटा यहाँ। ओके, मतलब बिलाल से शादी नहीं हुई है और कोई और दूसरा लड़का इसे देखने आया है, तब का उस टाइम का बेस्ट मोमेंट है। तुम्हें पूछना है कुछ बेटा? आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? महाजबीन, इस बार भी ना तुम फेल हो गई हो। महाजबीन फेल हो गई हो। अंडा 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 अंडा। पढ़ती है ना, किस यूनिवर्सिटी में? पुराने सीन में उस बिलाल ने कहा था ना, जो हमने पहले किया था, कि तुम हर सब्जेक्ट में फेल होती थी, फिर इसने कहा था मैं ड्राइंग में पास होती थी। महाजबीन इस बार भी ना तुम फेल हो गई हो। मैट्रिक। अमीन, मैट्रिक। मैट्रिक? इतनी छोटी तो नहीं लगती। अरे वो घर बिठा लिया था ना, बीमार पड़ गई थी। हाय हाय, ऐसी क्या बीमारी हो गई थी भाई? आंटी फेल होने की? बस वो नजला जुकाम हो गया था। नजला जुकाम में घर में बिठा दिया? वो नाजुक बहुत ज्यादा है ना, अपने बाबा की ना बहुत लाडली है। नाजुक है माशाल्लाह। अच्छा भाई साहब एक बात सुन लें, शादी के बाद ये पढ़ना लिखना लड़कियों का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ तो मैंने तो वैसे भी नहीं पढ़ना। अरे वाह, तुम दावेदार हो। तुम्हें कुछ और पूछना है? मत पूछ। नहीं मत पूछ। शुक्रिया। तुम और अच्छा क्या बना लेती हो? वो भी नहीं आता होगा। कुछ भी नहीं। मटर कोरमा, मटर कीमा, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर टिक्का, मटर कबाब और मटन पनीर। मटन कढ़ाई जी। अच्छा भाई जरा जल्दी ले आएगा, देखना मेरी अम्मा की भूख लगी। सुसर खाना आता है। मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर कीमा और मटन पनीर। होटल का सारा मेन्यू। अरे होटल का सारा मेन्यू बिल्कुल, और वैसे ही फ्लो में। भाई मुझे तो रिश्ता मंजूर है। मेन्यू सुन के फिर आप मीठा कीजिए ना। शुक्रिया। अब बेटा अंगूठी तूने खा लो। जी जी। भाई साहब होटल वाले का मेन्यू यार, तो रसम कर ले। जी बहन, आप लोग
अबाद भाभी के रिश्तेदार हैं, मतलब जानने वाले हैं, तो बिस्मिल्लाह करें। बेटा पहनाओ। अरे बेटा रुको, भाभी आप पहनाए। अरे तू चुप हो जाओ, बेटा तुम पहना। अरे रुको, अभी हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए, आप पहना दो। यार अरे पागल हो क्या, आजकल ऐसा नहीं होता, बेटा तुम पहना। अरे भाभी आप पहना है। अरे तुम आए... लड़का पहना है। ओ पहना दी। अरे एक्सप्रेशन चेक आउट करो यार। ओके गाइस, तो मैं समझ गया, तो अब मजा आया। ठीक है, उसमें उसने कहा था जब बिलाल की ना उससे मिलने गए थे, एक्स से मिलने गए थे, तो उसने वहां पे कहा था कि लड़का शादी के दिन छोड़ के चला गया, तो बिलाल से मजबूरी में शादी हो गई, बिलाल ने मान लिया शादी के लिए और बिलाल की इससे शादी हो गई। और हमने एक जगह ये भी सुना था कि ये फेल होती है बार बार, लेकिन ये चीज देख कर ठीक है और ज्यादा मजा आ गया। यमुना के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सही थे, और वो वाला पार्ट जिसमें वेटर जिस तरीके से मेन्यू जिस फ्लो में बोल रहा था वैसे ही इसने भी बोल दिया, और आंटी ने भी वही बात सुन के हाँ कर दी। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। ठीक है, 4.5 मिनट का ये मूवमेंट था, देख के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, मैं एक्साइटेड था, मैं देखना चाह रहा था कि शादी से पहले का कोई मूवमेंट अगर हो तो उस पर हम रिएक्ट करें, और आप लोगों ने वही सजेस्ट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा बेस्ट मूवमेंट हम देखते हैं, और देखकर पता चलेगा कि वो शादी से पहले का है या शादी के बाद का है। ठीक है, एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज के लिए, देखते हैं उसे। इसमें शायद शादी हो गई है। बिलाल ने यार बहुत ही अलग अलग रोल किए। ₹100 चाहिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़िया यार। ये घर कितना कूल लग रहा है ना यार। मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तुम? मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा जब पकड़ी जाएगी। भी और ना बिगाड़े, खर्ची की आदत ना डालें। नहीं मैं वो तो खर्ची नहीं देता हूँ, बस ऐसी उस पल की क्या ही वो प्यारा है ना यार, वो कह देता देखिए। पास होगा? पास हो गए? तुम पास हो गई? कब का हो गई? लेकिन पता है क्या, मुझे उसकी परवाह नहीं है क्योंकि मेरा रिश्ता आ रहा है डॉक्टर का। नाइस। अल्लाह करे बस मैं उन लोगों को पसंद आ जाऊं। मतलब शादी नहीं हुई है अभी इन दोनों की। किताबें मुझसे बहुत दूर। बढ़िया बढ़िया, यही चीज मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें भी एक मशवरा दूंगी, जब पढ़ाई ना हो रही हो ना तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए, सच्ची बड़ी इज्जत मिलती है, कपड़े जूते जूली वगैरह तस्वीरें भी खींचती है, और वो सहेली जो आप सच्ची तरह बात नहीं करती ना क्लास में, इज्जत देती है, मुंह देखती है। पर मैं तो
मैं तो बॉय हूँ ना, मैं कैसे कर सकता हूँ? बैक बेंचर्स के सजेशंस ऐसे ही होते हैं। वैसे अगर तुम गर्ल होते ना तो तुम्हारे भी यही मजे होते। खैर मुझे क्या, वो भी सोच रहा है कि यार मैं लड़का हूँ। मैं तो चली जाऊंगी डॉक्टर के घर और तुम पढ़ना। खेल किस्मत की बात है यार, फिर इसी के साथ होती है। अब्दुल्ला चावल चुनने आते तुम्हें? चावल चुनने आते तो आता क्या है बाबले? बाबले ऊपर से को काम भी नहीं करेगा। काम कर, फेल तो हुए। सीखो चलते महके हुए हैं सारे बाबले। अरे छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, पता नहीं क्यों, पता नहीं थप्पड़ मारा। ओके गाइस, तो यार मजा ही आ गया यार दोनों सीन देख के। ठीक है, दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं ना कि जैसे रियल लाइफ में लोग होते हैं, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर कोई आज के टाइम पे नालायक है भी, उसे पढ़ना नहीं आता, फिर भी ऐसा सीधा साधा कोई नहीं होता। ठीक है, कोई नहीं होता। तो ये चीज़ देखने में ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रही है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों। और मैं ऐसी ही कुछ सिचुएशंस, ऐसे ही कुछ बेस्ट मोमेंट्स ढूंढ रहा था जिसमें इन दोनों की शादी ना हुई हो। पहले में तो बहुत ही बढ़िया यमुना का दिखाया रिश्ता आया हुआ था, ठीक है, उसमें तो यार अलग ही गजब मचा दिया उसने। और दूसरे में मतलब उसके साथ रिश्ता पक्का हो गया है और बिलाल इनके घर आया हुआ था। ठीक है, छोटे साहब बोल रहे थे तो ठीक है, मैं समझ नहीं पाया छोटे साहब कह रहे थे तो क्या रिश्ता रहा होगा इनका। ठीक है, और कैसे ये सिचुएशंस बनी कि बिलाल की इससे शादी हो गई। ठीक है, ये चीज़ भी देखने लायक होगी। आप लोग ऐसे ही सजेस्ट करते रहो इसके बेस्ट मोमेंट्स, ये चीज़ देख के भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते चैनल को, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय।